हाँ और पसीने की स्मेल के लिए जो लेमन आता है, लींबू हाँ आता है, जो हरा वाला लींबू आता है, उसको काट के थोड़ा सा पानी मिक्स करके पाँव, खासकर जिनके पाँव से बहुत ही गंदी बदबू आती है। ये भी सुने लड़कियों की नहीं, लड़कों के तो बच्चे आएंगे फुटबॉल खेल के, सॉक्स घर में उतारेंगे और माए तो उनके लिए मत पूछो। क्या याद दिला दिया। हाँ, मैंने कहा बैट उसके लिए, और डॉक्टर मुबशरा ने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा किया जाए तो इस तरह ये जो है ना, पाँव की बदबू के लिए क्या करें? पाँव की बदबू के लिए आपने क्या करना है, लेमन लेना है, लेमन का जूस निकाल कर उसको लगा लें। अच्छा, मतलब लेमन का जूस पैर में लगा। और एक और काम करना है, जब वो मोजे उतारे तो उनसे कहे खुदारा सरसों के जो बीज होते हैं वो पानी में डाल के पाँव डिप कर लें, सरसों के बीज यानी राई दाना, उससे बदबू खत्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। एक तो मजा तब भी आता जब आप जब मैं एक्टिंग करती थी, पंखे बंद एक्टिंग करती थी ना, जब पंखे वगैरह सब पीस बंद, पीस के डाल, और उसके बाद जो सारे क्रू होता था माशाल्लाह सबके जूते उतरे हुए, ठीक है, और इतनी खुशबू आती थी ना, मजेदार रोमांटिक एक्टिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज है जड़ी बूटियों में जो रंग निखारता है और पसीने की बदबू को दूर करता है, और वो पसीना जो एसिडिक होता है जो आपके कपड़े फाड़ देता है, ओए होए, वो है उजबा, सारसा पीला। इसकी होम्योपैथिक में दवा आती है सारसा पीला। ये क्या करें? उजबा इसको क्या करना है, सिर्फ आपने इतनी सी एक डंडी, जी सिर्फ ये एक डंडी, दो लौंग, मैं इसका कहवा बनाना बता दूं। अच्छा, ये पसीने की बदबू खत्म करने में आपकी मदद करेगा, ना सिर्फ पसीने की बदबू खत्म करेगा बल्कि आपके रंग को भी निखारेगा। अच्छा, और ये है लेवेंडर अस्तोखुद्दूस। अच्छा, ठीक है, इसको उबाले, कहवा बनाए, अस्तोखुद्दूस, दो लौंगे और उजबा मगरबी, उजबा याद रखना, उजबा मगरबी, इसको इसका कहवा बना के पिए। हाँ। पसीने की जो बदबू, और खासकर वो बच्चे जिनके हाथों में बहुत पसीना आता है, हाँ, जब वो एग्जाम्स के लिए जाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, या तो उसके लिए बेस्ट काम है। अच्छा जी।